हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर का अपना इंडिया में क्या स्कोप है इसकी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि बीएससी जो है, आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपका कितना पर मंथ या पर ईयर आपका सैलरी होगा इसकी बात करेंगे। कहाँ कहाँ आप जॉब्स कर सकते हो, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब में आप क्या क्या काम कर सकते हो, इन सब की हम बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कौन कौन कंपनीज आपको जो है ऑफर करती है फॉर जॉब्स के लिए, इन सब की हम बात करेंगे। उसके बाद में कुछ डाउट्स आपके हो जाएंगे, तो उस डाउट्स के भी हम क्या आपके डाउट हो सकते हैं, उन सब की जो है डाउट और विथ उसका आंसर हम इस वीडियो में देंगे। तो आई होप सबको इस ये सारे डाउट्स है, ये सारे टॉपिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो भी स्टूडेंट्स कोई अदर डिपार्टमेंट से हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आईसीआर के अदर डिपार्टमेंट से हॉर्टिकल्चर उनमें स्कोप नहीं होता है। यदि आप अदर डिपार्टमेंट से हैं तो कमेंट करके हमें बताएं कि आप इस डिपार्टमेंट से हैं, हमको उस पर एक वीडियो या टॉपिक दे दीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ये सब कमेंट करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि आपके पास उस टॉपिक पे वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो में कितना कि स्कोप ऑफ इंडिया कितना है, स्कोप इन इंडिया में कितना है, ठीक है, सैलरी कितनी, इन सब की हम बात करते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक की जिसकी बात करने वाले हैं वो है करियर स्कोप ऑफ अपर्स्टिट एंड एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन। ठीक है, इन सब की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट आप इसमें काम कर सकते हैं, इसमें आपका लिए स्कोप होगा। ठीक है, आप केवीके में काम कर सकते हो, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, ये आप उसके बाद आप काम कर सकते हो एक्सटेंशन ऑफिसर के रूप में, आप जो है स्कोप है वहाँ पे, आप फील्ड ऑफिसर्स के रूप में जो है वहाँ पे काम कर सकते हो, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, फार्म मैनेजर, प्लांटेशन मैनेजर, रिसर्च ऑफिसर। ठीक है, इन सब सारों में आप देख सकते हो कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर आप काम कर सकते हो, एग्री प्रेसिप काम कर सकते हो, सीड टेक्नोलॉजीज़ में काम कर सकते हो। तो बहुत सारी स्कोप है आपके लिए आफ्टर जॉब जो है 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो है जॉब्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप बात करते हैं स्टेट एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स के रूप में, उसके बाद सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आप बात की जाए तो फूड टेक्नोलॉजी कंपनीज में आप काम कर सकते हैं, आप बैंक में काम कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका ऋण वगैरह होता है तो इसके रिगार्डिंग आप बैंक में ऑफिसर्स के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में आप सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है उनमें आप जो है काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद MNCS, यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है जैसे ये फुल फॉर्म नहीं है तो आप गूगल पे जाइए, वहां पे सर्च करके पूरा इसके बारे में स्टडी कर लीजिए। उसके बाद में है पोल्ट्री मैन्युफैक्चरिंग फार्म जो है उनमें काम कर सकते हैं, उसके बाद फूड प्रोसेसिंग यूनिट में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी आप जो है काम कर सकते हैं, फॉर स्किल एंड कॉलेज में आप टीचर्स वगैरह ये उनमें जो है आप जो है प्रोफेसर वगैरह बन सकते हैं। उसके बाद मशीनरी इंस्ट्रूमेंट, मतलब जितना भी आपका इंस्ट्रूमेंट आता है जो कि आपको एग्रीकल्चर फील्ड में देखने को मिल जाए, लाइक ट्रैक्टर वगैरह जो भी है, तो उसमें आप जॉब है वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। तो जॉब की बात की जाए, जॉब प्रोफाइल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स आप बन सकते हो, आपकी जो सैलरी कितनी होगी तो वो पर एनम, मतलब एवरेज आपकी यदि स्टार्टिंग में अच्छे तरीके से आप पहले जाते हो तो 9 लाख आपका पर मंथ पर ईयर होगा। तो एक अप्रोक्स आइडिया लगा सकते हो कि एक मंथ का आपका कितना होगा, आपको सबको पता है कि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं तो 9 लाख आपका होगा। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ बात करें एनम की, तो यदि आपका थोड़ा बहुत अनुभव बढ़ता है या एक्सपीरियंस बढ़ता है, काम करने का तरीका अच्छा होता है या आपको नॉलेज अच्छा होता है, ठीक है, तो आपका सैलरी जो होगा वो सैलरी 14 लाख के लगभग हो जाता है। मतलब आप समझ सकते हो कि पर मंथ आपका 1.5 लाख के करीब हो जाता है। ओके, 1.2 या 1.3 आपका जो है पर ईयर आपका जो है सैलरी होगा। ठीक है, उसके बाद में आप आईसीआर साइंटिस्ट बनते हो तो वहाँ पे आपका सैलरी देखी जाए तो आपका पर एनम यदि स्टार्टिंग में काम करते हो तो 7 लाख के करीब होगा। उसके बाद में जैसे ही आपको नॉलेज होता है, आपको बहुत अच्छा स्टडी आपने किया है तो 15 लाख के करीब आपका जो है आपका पर एनम। तो इस यहाँ पे आप सोच सकते हो कि पर मंथ आपका जो है कितना होगा, पर मंथ आपका 1.3, मतलब 1.30 हज़ार आपकी तनख्वाह होगी, मतलब आपका जो है इनकम होगा। ओके, उसके बाद में आपकी बात करते हैं एग्रीकल्चर की बात की जाए तो उसमें आपका 4.2 लाख, ठीक है, पर यदि आप कन्वर्ट हो तो फिर 6 लाख के करीब होगा। उसके बाद सेल्स ऑफिसर यदि बनते हो तो 4.80, उसके बाद 10 लाख के करीब आपका जो है 10 लाख के करीब आपका इनकम होगा पर एनम के। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब जॉब प्रोफाइल कौन कौन सी है आपकी। तो सबसे पहले एक बार देख लीजिए कि जॉब प्रोफाइल कौन कौन सी है आपकी।
जॉब प्रोफाइल की बात करें, एवरेज सैलरी पर एनएम आकर कितना जो है सैलरी बन सकता है और हाईएस्ट आपका कितना हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वो उसके अलावा भी आप यहाँ इन सेक्टर्स में काम कर सकते हो, तो देख लीजिए कि आपका जो है मार्केटिंग में काम कर सकते हो, सॉरी फॉर दैट, मार्केटिंग में काम कर सकते हो। इसकी एवरेज होगी 3.5 और मैक्सिमम आपकी 6 लाख तक जा सकती है। जेआरएफ और एसआरएफ की बात की जाए तो 2 लाख, ठीक है, और वेरियस करता है कि आपकी स्टडी पे कितना आप स्टडी करते हो, तो इस पर कितना भी पैसा आप कमा सकते हो, ठीक है, ये आपके स्टडी पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप यदि रिसर्च साइंटिस्ट पे जाते हो, असिस्टेंट के रूप में जाते हो, तो आपकी जो है सैलरी होगी 3 लाख पर एनम होगी, ठीक है। यहाँ पे आपका 3.5 एवरेज हाईएस्ट आपकी हो सकती है। उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट में जाते हो तो 4.2 लाख, उसके बाद 6 लाख तक आपका इनकम हो सकता है, ठीक है। प्लांट ब्लेडर के रूप में जाते हो मतलब बीज 7.7, उसके बाद आपका मैक्सिमम है वो 14 लाख हो सकता है, ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग के रूप में जाते हो तो 4 लाख, ठीक है, उसके बाद में आपका मैक्सिमम है वो 12 लाख तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप बात करते हो तो सीड टेक्नोलॉजीज में जाए 3 लाख, 5 लाख एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में 3.5 और 4 लाख तक आपका जो है इनकम हो सकता है। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद प्राइवेट जॉब्स और बी एस सी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट की बात की जाए तो प्राइवेट कंपनीज की बात की जाए तो जीके अग्री जेनेटिक्स एलटीडी में काम की जाए तो एग्रीकल्चर एसोसिएट के रूप में काम कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे होगा 7 लाख पर एनम का हो सकता है। महिंद्रा एग्री में काम की जाए तो सेल्स एसोसिएट के रूप में काम करते हो तो 9 लाख के रूप में। उसके बाद में ट्रैक्टर टाटा के बाद ये सारी कंपनीज है आपको सब दो, महिंद्रा कंपनीज आपने देखी होगी, टाटा आपने कंपनी देखी होगी, जेके आपने देखी होगी, तो एसोसिएट मैनेजर के रूप में यदि आप यहाँ पे काम करते हो तो 5.3 लाख मतलब 5.3 लाख पर एनम आपको जो है इनकम होगा, ठीक है। उसके बाद में ये आपकी कंपनी है सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में काम कर सकते हो। यहाँ आपका जो इनकम है वो इनकम आपका 7 लाख के करीब हो सकता है, पर ये ईयर है, पर मंथ नहीं है, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट इस डाउट में नहीं रहे। तो अब आपके कुछ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कुछ डाउट्स आपके रहे होंगे कि आप जो है कौन कौन सा डाउट्स आपके आए हैं, तो हम क्वेश्चंस करते हैं उसी का आंसर आप करते हैं। तो व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, मतलब इसका मतलब ये है कि आप बीएससी एग्रीकल्चर का 4 ईयर का कंप्लीट करते हो या पीएचडी या पीजी पीएचडी आप कंप्लीट करते हो तो आपको जॉब ऑफर कौन कौन सा आएगा। तो एग्रीकल्चर जूनियर इंजीनियरिंग के रूप में आप काम कर सकते हो, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में आप काम कर सकते हो, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के रूप में आप काम कर सकते हो, एग्रीकल्चर डेवलप ऑफिसर के आप रूप में आप काम कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। उसके बाद में आप रिसर्च के रूप में भी रिसर्च के रूप वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हो, लैब असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि कॉलेज में आपके प्रोफेसर स्टडी करवाते हैं, ठीक है, वहाँ आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये डाउट आपका एकदम क्लियर हो चुका होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स रहता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं, तो आपकी हम यदि कुछ गलत बोलते हैं तो वो भी हमें बताएं, ओके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि आपका जो है व्हाट आर द सैलरी ऑफ आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, तो आपका बीएससी एग्रीकल्चर के बाद कितना हो सकता है, मैक्सिमम में आपका एवरेज कितना हो सकता है, तो 5 लाख से 9 लाख पर ईयर हो सकता है, मतलब आप मान सकते हो कि 9 लाख तो ये एवरेज है जो कि बहुत मतलब स्टार्टिंग सैलरी है आपकी, ओके। तो इतना सारा आप पैसा कमा सकते हो इससे। व्हाट आर द 10 करियर इन एग्रीकल्चर, आपके मतलब मैक्सिमम जो 10 करियर ऑप्शंस क्या होते हैं इसमें, तो हियर इज द है मेंशन टू 10 आपके करियर ऑप्शन फॉर बीएससी एग्रीकल्चर के रूप में। तो आप यहाँ पे देखो बायोकेमिस्ट्री बन सकते हो, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बन सकते हो, बायो फॉर्मेटिक साइंटिस्ट बन सकते हो, एग्रोनॉमी सेल्स मैनेजर बन सकते हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आप कर सकते हो, फूड साइंटिस्ट बन सकते हो, एनिमल जेनेटिक्स बन सकते हो, ओके। तो बहुत सारा यहाँ पे देखो आपको जॉब फॉर करियर ऑप्शन यहाँ पे है जो अलग अलग फील्ड में आप जो है यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो, यहाँ पे आप काम कर सकते हो, यहाँ से आप अपना इनकम ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। व्हाट आर द सैलरी ऑफ एन एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर जो ऑफिसर होता है उसकी सैलरी कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर मंथ माने जाए तो 35,000 से 50,000 इसकी सैलरी होती है। तो आप मान सकते हो कि 7 या 8 के लगभग आपका जो है पर ईयर आपका इनकम होगा फॉर एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में, ओके। तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया, जो कि एक बहुत ही अच्छी, इसके आगे भी बढ़ सकती है, आपके काम पे डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पे काम करता है। ये नहीं है कि यहाँ पे मैंने बता दिया कि 35,000 है, ठीक है, वो यदि आपको अच्छी स्टडी आपने ग्रेजुएट के टाइम की है या अच्छा नॉलेज आपको है तो आपकी इनकम है जो पर मंथ बढ़ती रहेगी, पर ईयर भी बढ़ती रहेगी। आपने सबने देखा होगा कि आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब है तो उसकी हर मंथ या हर ईयर उसकी इनकम बढ़ती जाती है, तो वैसे
सही इसमें है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत सैलरी में इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ द हाईएस्ट पोस्ट इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, तो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है आपका बीएससी एग्रीकल्चर, उसमें हाईएस्ट पोस्ट जो है कौन सी है, ये आपके कॉमन डाउट होगा, तो ये डाउट्स भी हम सोल्व कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें है हेयर आर द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, तो बायोकेमिस्ट्री में आपको मिलेगा इतना रुपीज, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि कितना रुपीज, 3,90,000 तक आपका पर आपका इनकम हो सकता है। फूड साइंटिस्ट में आप काम कर सकते हो तो 7,50,000 के लगभग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के रूप में बात करें तो 4,33,270 रुपीज़ आपका जो है एवरेज इनकम हो सकता है। ओके, तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो में जो भी डाउट्स हैं जिस भी स्टूडेंट्स को मैंने सारा अच्छे से समझा दिया है, ठीक है, फिर भी यदि किसी को नहीं समझ में आता तो वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। सारे टॉपिक भी मैंने डिस्कस किया है, स्कोप इन इंडिया भी कर लिया, सैलरी आपकी कितनी होगी, प्राइवेट जॉब सेक्टर के कौन कौन से, सब टॉपिक पर हमने कमेंट किया। यदि कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि अदर डिपार्टमेंट्स में जो है जॉब्स नहीं होता, तो सभी यदि कोई अदर डिपार्टमेंट्स है तो आप हमसे वो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके उस जो है वीडियोस आपके लिए बना देंगे। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी एक बार बीएससी एग्रीकल्चर का सारा इन्फॉर्मेशन रखें कि कितना सैलरी इसमें होता है, ठीक है। तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स होता है तो कमेंट करके हमें पूछ ले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो थैंक यू डियर, मिलते हैं आपको फिर नई अपडेट के साथ, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।